الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ये जो हदीस है, हदीस नंबर 19, इसमें काफिरों के बर्तनों में खाने पीने के हवाले से जो आदाब इंशाल्लाह बयान होंगे। वन अबी सालबत अल खुशनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सालबा खुशनी रजी अल्लाह अन्हु से आबी रसूल हैं, बयान करते हैं। काला, कहते हैं, कुल तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्ना बि अर्द कौमिन अहली किताबिन, हम अहले किताब के इलाकों में रहते हैं, यानी अहले किताब की जमीन पर रहते हैं। अफा नाकुलु फी आनियतिहिम, क्या हम उनके बर्तनों में खा सकते हैं? काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताकुलु फीहा, तुम ना खाओ उनमें, यानी उन बर्तनों में ना खाओ, इल्ला अल्ला तहिदु गैरहा, मगर ये कि तुम उनके अलावा कोई और ना पाओ, यानी अगर कोई और बर्तन मुयस्सर ना हो तो फिर खा लो, अगर और बर्तन मुयस्सर हो तो फिर ना खाओ। फगसिलुहा, फिर उनको धो लो, वकुलू फीहा, और उसमें खाओ। मुत्तफकुन अलैहि, बुखारी मुस्लिम की ये रिवायत है। तो इस हदीस में अबू सालबा अल खुशनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि हम अहले किताब के इलाके में रहते हैं, अहले किताब से मुराद यहूद नसारा है, यानी यहाँ पे नसारा मुराद है, ईसाई मुराद है, क्योंकि शाम के इलाकों में ये सहाबाए किराम रहते थे जिन्होंने सवाल किया, तो वहां पे ज्यादा ईसाई आबाद। तो वैसे अहले किताब की जो टर्म है उससे दोनों ही मुराद हो सकते हैं, यहूदी भी और ईसाई भी। तो यहूद और नसारा दोनों के लिए अहले किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये कुरान मजीद में भी बार बार आया है। अब सवाल ये था कि हम अहले किताब के इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ से ये भी साबित हुआ कि अहले किताब की जो सरजमीन है वहां पे किसी जरूरत के तहत जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो अफना कुलुफी आनियतिहिम, क्या हम उनके बर्तनों में खा सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मशरूत इजाजत दे दी, आपने फरमाया कि ला ताकुलु फीहा, उनमें ना खाओ, इल्ला अन ला तजिदु गैरहा, सिवाय इसके कि तुम उनके अलावा ना पाओ, यानी तुम्हारे पास बर्तन है ही नहीं और उनके साथ फिर खा लो, लेकिन फगसिलूहा वकुलू फीहा, उनको धो लो फिर खाओ। अब यहाँ पे इस हदीस में बहुत से फवायद हैं। सबसे पहली बात, अगर हम वन बाय वन देखें तो एक बात तो ये है कि मशरूत इजाजत है अहले किताब के इलाकों में रहने की, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं या गैर मुस्लिम ममालिक हैं, तो वहां पे जाना मुतलकन जायज नहीं है, मशरूत इजाजत है। और मशरूत इजाजत की तफसीलात ये हैं कि आपका ईमान खतरे में ना हो, ठीक है, ये ना हो कि उनका रंग आप पे चढ़ जाए, आपके अकायद खराब हो जाएं। हाँ, आप अपनी कोई दावत दावत दीन के हवाले से थोड़ी स्ट्रगल कर सकते हो, ये कम अज कम शरिया को प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो आपको, तो इसलिए फिर वहां जाया जा सकता है। तो बहरहाल इस हदीस में यहाँ पे ये इजाजत मजकूर है। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सूरह निसा में तफसील से ये बात की है। मतलब कहते हैं कि बाज लोग ऐसे हैं कि जो ये बहाना करेंगे कि हम तो कमजोर थे जमीन में, हम तो ये शरीयत को प्रैक्टिस नहीं कर सके, उसकी वजह क्या है कि हम काफिर मुल्कों में रहते थे और कमजोर थे, हमारे ऊपर तसल्लुत था, तो उस वक्त फिर उनसे कहा जाएगा, अलम तकुन अर्दुल्लाही वासिया फतुहाजिरू फीहा, तो क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर लेते, या ऐसी जगह रहने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करते कि जहां पे शरीयत पर अमल करना मुश्किल ना होता। तो बहरहाल ये मशरूत इजाजत है। दूसरी बात, इस हदीस में ये साबित हुई कि सहाबाए किराम बहुत ज्यादा मोहतात होते थे और छोटी छोटी बातें और चीजें पूछते रहते थे। और तीसरी बात यह है कि काफिरों का जो बर्तन है उनको
इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन साफ करके धो के, और यानी इससे ये मुराद है कि उनके साथ तआमुल जायज है। तआमुल का माना क्या होता है? मुआमला, उनके साथ रहा जा सकता है, और वही शरायत होंगी कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका ईमान खतरे में चला जाएगा तो फिर नहीं। उसके अलावा किसी के साथ कमरे में रहना या फिर उनके साथ तआमुल करना, बिजनेस पार्टनर बनाना, ये सारी चीजें हैं। सिर्फ एक चीज जो शरीयत ने मना कर दी है वो ये कि आप कल्बी मेलान ना रखें उनकी तरफ, यानी आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, उनके कुफर की वजह से नफरत होनी चाहिए। बाकी मामलात में उनके साथ आप उठ बैठ सकते हैं, तो उनके साथ खा भी सकते हैं, उनके हाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बात भी यहाँ पे साबित होती है। अब यहाँ पे एक बात ये देख लें कि यानी ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्तें लगाई है ना, फगसिलूहा व कुलूफीहा, धो के उसमें खाओ, या फिर ये है इल्ला अल्ला तजिदु गैरहा, ये कि उसके सिवा आपके पास हुई ना तो उनके इस्तेमाल करो बहुत जरूरत के तहत। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं ये बताते हैं कि हमें मोहतात होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा उनके घरों में आना जाना और बहुत ज्यादा गैर जरूरी इख्तलात और इस तरह की चीजें, उनसे परहेज करना होगा। तो बहरहाल यहाँ पे मशरूत इजाजत दी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसके बाद अगली हदीस है हमारे पास इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबहु तवद्दउ मिम मजादति इमरातिन मुशरिकतिन। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अन्न नबी, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व असहाबहु, और आपके सहाबा ने, तवद्दउ, वुजू किया, मिम मजादतिन, एक मिशकीजे से, इमरातिन मुशरिकतिन, जो मुशरिक औरत का था, एक मुशरिका औरत के मिशकीजे से वुजू किया, यानी एक मुशरिका औरत के मिशकीजे से पानी लेके उससे वुजू किया। अब मुत्तफकुन अलैहि फी हदीसिन तवील, एक लंबी हदीस है ये बुखारी मुस्लिम में, और वो लंबी हदीस इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाज साथियों के साथ सफर पर थे तो पानी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हुआ तो आपने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और साथ किसी और सहाबी की ड्यूटी लगाई कि आप पानी तलाश करो। तो वो जब गए तो उनको एक मुशरिका औरत नजर आई जिसने ऊंट के ऊपर दो मिशकीजे लटकाए हुए थे पानी से भरे हुए। तो ये उसको लेकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, और आपने फिर उससे पानी पिया और वजू भी किया, और सहाबा से भी कहा कि आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तवील हदीस है। अब इस हदीस में सबसे पहली बात जो समझ आती है कि आपके पास पानी नहीं है तो आप जरूरत पड़ने पर किसी बंदे से पानी ले सकते हैं। अब वो इनकार करे तो भी लिया जा सकता है, यानी उसके पास वाफर पानी मौजूद है और आपको जरूरत है तो फिर आप वहां से पानी ले सकते हैं, जैसे सहाबाए किराम ने यहाँ पे उस औरत को बुला के लेके आए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, और इसी तरह फिर पानी में कमी नहीं आई थी, वो तो एजाज था आपका, सब सहाबा ने पिया, तकरीबन 80 लोग थे उस वक्त, 80 के राउंड अबाउट, तो सबने पानी से वुजू भी किया, पिया भी, लेकिन उसके पानी में कमी नहीं हुई। तो ये आपका मौजजा भी था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजात का जहूर भी होता रहता है। और उसके बाद फिर उस औरत को खाना खिलाया आपने, तो इसका मतलब ये है कि एहसान का बदला भी चुकाना चाहिए, कोई उसको थोड़ा पे कर देना या खाना खिला देना, ये उसकी किसी जरूरत का ख्याल रखना जिस जो आपके काम आया मुश्किल वक्त में, तो ये जरूरी होता है, और ये बहुत बेहतरीन हल जज़ा इंसानी दल एहसान की तस्वीर है। इसी तरह अब यहाँ से जो इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यहाँ पे इस हदीस को कोट किया है और यहाँ लेके आए हैं, इसका माना यह है कि वो मुशरिका औरत थी और उनका जबीहा मुर्दार होता है, यानी वो तो जबा करें भी तो मुर्दार है, और उसके बाद फिर गोया के खाल को रंगना और उसको दबागत दे देने से, चूंकि वो पाक हो जाती है और उससे फिर मिशकीजा बनता है, तो फिर इस मिशकीजे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करके और पानी पी के ये बात साबित की और हमारे लिए रहनुमाई दे दी कि चमड़ा कोई भी हो तो उसको रंग देने से वो पाक हो जाता है। ये पिछले पिछले लेसन में हमने ये हदीस पढ़ी थी।
और इसी तरह इस हदीस से एक और बात भी मुहदिसीन अखज़ करते हैं कि अजनबी औरत से बात करने में कोई हर्ज नहीं है अगर जरूरत के तहत कोई बात की जाए और फितने का अंदेशा भी ना हो। अब जाहिर है वहां पे मजबूरी थी और बात करना नागुजीर था, तो इसलिए फिर वहां पे बात की गई। इसके बाद अगली हदीस, बल्कि हमारा बाब नया शुरू होने लगा है यहाँ पे। ये चैप्टर है इजालत, बाबू इजालत नजासती व बयानिहा, नजासत को दूर करने का और नजासत की तफसील का बयान, यानी इसमें क्या क्या चीज नजस है और नजासत को दूर कैसे किया जाएगा, ये वो चीजें इसमें आएंगी। अच्छा, एक हदीस हमारी रह गई है पीछे, ये अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस। ये इसके बाद हमारा नया बाब शुरू होता है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन्न कदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका सारा, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्याला टूट गया। फताखजा मकान शाबी, बस आपने लगा दिया टूटने की जगह पर सिलसिलातम मिन फिज्जतिन, चांदी की एक तार। कादाहा यानी प्याला नबी सल्लम का इनका सारा टूट गया। फताखजा, बस आपने लगा दिया मकान शाबी यानी क्रैक की जगह पर, वो क्रैक हो गया और क्रैक की जो जगह थी वहां पर क्या लगा दिया, सिलसिलतम मिन फिजातिन एक सिल्वर वायर। अब ये हदीस यहाँ पे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना फरमाया। तो जब सोने चांदी के बर्तनों से खाने पीने से मना फरमा दिया, तो जहन में सवाल ये पैदा होता था कि अगर कोई चीज टूट जाए बर्तन वगैरह, तो उसको फिर सोने की वायर के साथ या चांदी की वायर के साथ दुरुस्त करना या उसको आपस में जोड़ना जायज था या नहीं था। तो यहाँ पे शरीयत ने इजाजत दे दी कि बिल्कुल उसकी इस्लाह के लिए यानी उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए थोड़ी सी वायर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये चांदी की वायर है, चांदी के बर्तन में खाने पीने से मना फरमाया, लेकिन चांदी की वायर के साथ टूटी हुई जगह को जोड़ने में इजाजत दे दी है। तो यहाँ से इस हदीस से ये बात साबित हुई कि सबसे पहली बात जो, यानी अगर हम वन बाय वन देखें, वो ये है कि सुबहान अल्लाह, आपने वो टूटने के बाद प्याला फेंक नहीं दिया, यानी आप इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे, चीजों को जाया नहीं करते थे और उसी को दोबारा से इस्तेमाल किया। तो यानी आपने इक्तसादियात का दरस दिया हमें और फजूल खर्ची से बचाया। हमारे एक घरों में तो हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं रहता, हम तो समझते हैं कि ये तो एक ऐब है, एक तान है कि कोई टूटी हुई चीज को जोड़ लिया जाए, जूता टूट जाए वो फेंक देते हैं, कोई और चीज हो वो फेंक देते हैं, कपड़ों पे पैवान लगाने का तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आजजी, इंकिसारी, सादा जिंदगी का ये मुतालबा है, तकाजा है कि इस तरह के काम किए जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम करके पहली बात ये समझाई हमें। इसके बाद दूसरी, आपकी तवाजो देखें कि आपने उसको जोड़ने के बाद घर में रख लिया और फिर ये नहीं कि इस्तेमाल नहीं किया, आप उसमें चीजें नोश फरमाते थे, तो ये भी आपकी तवाजो है। तीसरी बात जो इस बाब से मुतालिक है वो ये कि उसको तार के साथ जोड़ा जा सकता है, तो चूंकि वो पूरा फी नफ्सी ही चांदी का तो नहीं बन गया, सिर्फ उसको जरूरत के तहत थोड़ी चांदी के साथ जोड़ दिया गया है, तो इतनी जहां पे शरीयत इजाजत दे वहां पे इजाजत ले लेनी चाहिए। इसी तरह यानी जो यहाँ पे चांदी का जिक्र है, तो चांदी इतनी जायज है, जहां पे सोने की कुछ गुंजाइश दी गई है वहां पे सोने की कुछ गुंजाइश होगी। इसी तरह से जहां पे रेशम इस्तेमाल करने की कुछ इजाजत होगी, तो वहां पे यानी कपड़ा रेशम का नहीं पहनना चाहिए, लेकिन रेशम का कुछ थोड़ा सा छोटा सा डिजाइन ऊपर हो कपड़े पे, वो इंशाल्लाह रिवायात आगे आती रहेंगी, तो वो जायज होता है। तो शरीयत जहां पे कुछ थोड़ी इजाजत दे देती है, उस इजाजत को लेने में कोई हर्ज नहीं होता, अल्लाह ताला आलम। तो ये हदीस थी आखिरी। इसके बाद अगला बाब है, बाबू इजालत नजासा व बयानी है, नजासत को जायल करने का बयान और उसकी तफसीलात, यानी नजासत क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खमरी,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया शराब के बारे में, तुत्तखज़ु खल्लन, कि उसको सिरका बना लिया जाए। काला ला, आपने फरमाया नहीं। अखराजहु मुस्लिमन व तिरमिजी, मुस्लिम और तिरमिजी ने इसको बयान किया है। वकाल हदीस हसन सही, और इन्होंने कहा कि ये हदीस हसन और सही है। अब यहाँ पे आप सल्लम से सवाल हुआ शराब के बारे में कि उसको सिरका बना लिया जाए या नहीं, तो आप सल्लम ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो आप ये देखें कि यहाँ पे सुहिला का माना क्या है, सवाल करने वाला कौन है। तो जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लम से जो सवाल किया जा रहा है वो एक सहाबी ही कर रहे होंगे, तो वो कौन थे, उनका नाम क्या था, वो मालूम नहीं है। तो सहाबी मजहूल हो तो फिर हदीस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी वो चूंकि सहाबी है तो सहाबी सारे के सारे आदिल होते हैं, तो इसलिए अगर सहाबी का नाम मजकूर ना भी हो तो भी वो हदीस सही होती है। दूसरी बात, यहाँ पे इस हदीस में ये है कि शराब जो है वो कतई तौर पर हराम है, यानी वैसे तो कुरान मजीद की नस भी है, नबी सल्लम के दीगर फरामीन भी हैं, लेकिन ये हदीस भी इस बात पर दलालत है कि जब उससे सिरका बनाने की इजाज़त नहीं है तो फिर शराब फी नफ्स ही हराम होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सिरका तो जायज़ है यानी हलाल है, तो आपने वो मना क्यों कर दिया। तो इसको शरीयत में एक इस्तेलाह होती है सद्दे ज़रिया, कि वो रास्ता जो आपको गुनाह की तरफ लेके जाता है उसको भी बंद कर देती है शरीयत। तो आपने सद्दे ज़रिया के तौर पर यहाँ पे बंद कर दिया, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। तो जिना के करीब भी ना जाने का मतलब क्या है कि जो मुबादियात हैं, जो जिना की तरफ मायल करने वाली चीजें हैं, उनसे भी, जैसे गज़े बसर है, नजरें झुकाना और ये चीजें, उनसे भी शरीयत फिर यानी मना कर देती है जो चीजें लेके जाती हैं उस गुनाह की तरफ। तो इसी तरह सिरका फी नफ्सी ही ठीक था, लेकिन शराब से सिरका बनाना, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इसकी इजाजत ना दे के ये बात साबित की कि ऐसी चीजें जो गुनाह की तरफ ले जाए उसको उसको भी सोचना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे इब्न हजर रहमहुल्लाह नजासत के बाब में इसको लेके आए हैं इस हदीस को, तो मालूम ये होता है कि इब्न हजर रहमहुल्लाह के यहाँ शराब की नजासत जो है वो हिस्सी है, यानी शराब जो है हकीकी तौर पर नजस है, उसको हाथ लगाने से वो नजस है, लेकिन अहले इलम जो जमहूर उलमा है उनके नजदीक ये मानवी तौर पर नजस है, यानी इसकी मानवियत को देखें तो फिर ये नजस है, लेकिन अगर ये किसी कपड़े पर लग जाए या जिस्म पर लग जाए तो वो इस एतबार से नजस नहीं होती। इसके बाद अगली हदीस अनस बिन मालिक से ही है, वानहु, और उसी से है, यानी अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। काला फरमाते हैं, लम्मा काना यौमु खैबरा, जब खैबर का दिन हुआ, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा तलहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा को हुक्म दिया, फनादा, पस उन्होंने मुनादी की, अन्न अल्लाह व रसूलहू, बेशक अल्लाह और उसका रसूल, यन हयानी को दोनों तुम्हें मना करते हैं, अन लुहूमिल हुमुरिल अहलियती, घरेलू गधों के गोश्त से, फइन्नहा रिजसुन, बस बेशक ये नापाक है, ये रिजस है। अब जरा अल्फाज पे पहले बात कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे योम खैबर है, खैबर ये यहूदियों की एक बस्ती का नाम है, वहाँ पे बड़े उनके यानी आप यूँ समझ लें कि मुआशी तौर पर बड़े सेटल्ड थे यहूदी वहाँ पे, ये सरसब्जो शादाब वादियाँ थी वहाँ पे, और ये मजबूत कले उन्होंने बनाए हुए थे वहाँ पे, बहुत ज्यादा बागात थे, और ये मदीना के शिमाल मगरब में तकरीबन 100 मील के फासले पे है खैबर। तो 7 हिजरी को जब यहूदियों ने गद्दारी की, बदहदी की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खैबर पर हमला किया, तो खैबर फतह हुआ, तो वहाँ की ज़मीनों को मुजाहिदीन में माल गनीमत के तौर पर तकसीम कर दिया गया। खैर, उसके बाद फिर यहूदियों ने कहा कि आप ज़मीनें हमारे पास ही रहने दें और हम काश्तकारी में से फिर मुआवजा देते जाएंगे, तो आपने उनका ये मुतालबा भी मान लिया। तो यहाँ पे ये वो दिन मुराद है, उस दिन
अबू तलहा रजी अल्लाह तआला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फनादा, बस उन्होंने मुनादी की। अब ये नादा, ये मुनादातुन से निकला है, जैसे मुनाजात होता है ना, उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है मुनाजात, तो मुनादात कहते हैं बुलंद आवाज से किसी को पुकारना, और मुनाजात कहते हैं आहिस्ता आवाज में पुकारना, यानी सरगोशी के अंदाज में बात करना। जैसे मुनाजात के लिए उमूमन हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह से मुनाजात करना, तो दुआ में इंसान आहिस्तगी के साथ अल्लाह ताला से जो चीज मांगता है उसको मुनाजात कहते हैं। तो मुनादात बुलंद आवाज के साथ दूर से पुकारना या ऐलान करना, अनाउंस करना, और मुनाजात आहिस्ता से करीब से किसी को आवाज देना या पुकारना। तो अबू तलहा रजी अल्लाह तआला की आवाज बुलंद थी, तो आपने उनको ये हुक्म दिया कि वो अनाउंस कर दें सबके दरमियान। दूसरी बात, यहाँ पे अन अल्लाह व रसूलहु, बेशक अल्लाह और उसका रसूल दोनों मना करते हैं, तो यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल को दोनों को इकट्ठा करना, अगरचे इल्लत और हुरमत का इख्तियार अल्लाह के पास है, लेकिन चूंकि नबी भी अल्लाह की इजाजत से कोई बात नहीं करता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर यहाँ पे इसलिए नाम है साथ कि अल्लाह और उसका रसूल मना कर रहे हैं, और ये अंदाज इतना खूबसूरत है कि ताकीद पैदा हो रही है बात में कि बेशक वो दोनों तुम्हें मना कर रहे हैं। किस चीज से मना कर रहे हैं? अल्लुहूम अल्हुमुरिल अहलिया, लुहूम लहम उनकी जमा है गोश्त, अल्हुमुर हिमार उनकी जमा है गदा, अल अहलिया घरेलू, ठीक है, तो घरेलू गदों के गोश्तों से, यूं कह लें आप, ठीक है, लुहूम असल में जमा है ना, तो गोश्त कह देने से भी ठीक है माना, लेकिन लहम उनकी जमा लुहूम, तो घरेलू गदों के गोश्तों से मना कर रहे हैं तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल। फइन्नहा रिज्सुन, क्योंकि ये रिज्स है, रिज्स का माना नापाक है। अब इस हदीस में बहुत सी बातें साबित होती हैं, जिस तरह एक हमने ये कही कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र इकट्ठा करना वाओ के साथ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इससे ताकीदें मजीद पैदा होती है, और अल्लाह और उसका रसूल कहने में कोई हर्ज नहीं है साथ। लेकिन इसको एक बात समझ लें कि चूंकि अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, गैबों को वो जानता है, तो ये नहीं हम कह सकते कि अल्लाह और उसका रसूल गैब जानते हैं, ठीक है। तो जिस जिस बात में जहां जहां शरीयत जितनी इजाजत देती है और अकीदे पर जरब नहीं पड़ती, उतनी ही वहां पे बात की जाएगी, वहां अल्लाह और उसके रसूल को साथ मिला के रखा जाएगा, लेकिन उसके अलावा नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे ये बात समझ आती है कि कोई भी हुक्म है शरीयत का, तो उसको अनाउंस करना और उसको पब्लिश करना उसका बयान है, उसकी इजाजत है यहाँ पर। जैसे अबू तलहा को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया और आपने, तो शरीयत को नशर करना और पब्लिश करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको अनाउंस करना। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया है, तो कोई हदीस उसको खूबसूरत डिजाइन बना के उसको अपलोड करना, पब्लिश करना, उसको बूस्ट करना, यानी एक जदीद दौर की मिसाल के साथ समझ रहे हैं हम, तो कोई भी हुक्म है या कोई सुन्नत है जो मफकूद हो गई है, लोग उस पर अमल नहीं करते, तो हमारा दिल चाहता है कि हम इसको नशर करें, तो कोई भी अंदाज इख्तियार किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह यहाँ से एक बात जो फुकाहा ने निकाली वो ये कि जदीद फुकाहा ने कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी जायज होगा, क्योंकि वो भी आवाज को बुलंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस पे बड़ी बहस है, बाज लोगों ने कहा जी नहीं इसको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल उस बंदे को मुंतखब करते थे अजान के लिए या ऐलान करने के लिए, उसको मुनादी बनाते थे कि जो जिसकी आवाज ऊंची होती थी, तो इसलिए ये चीजें फिर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इसी तरह जब घरेलू गदा, ये इसका गोश्त हराम है, तो फिर जो हिमारे वहशी है, जंगली गदा जिसको जेबरा कहते हैं हम, तो वो फिर जायज होगा, ठीक है, क्योंकि उसको आपने मना नहीं फरमाया। और ये हदीस भी तफसील इसकी अगर देखें हम, तो वो ये है कि नबी सल्लम ने जब ये ऐलान करवाया ना, उस वक्त चूंकि पहले ये गोश्त हलाल था और हंडिया के ऊपर रखा हुआ था और बहुत ज्यादा तादाद में पक रहा था, लेकिन इसके बावजूद जब आपने मना कर दिया, तो किसी ने कोई तावील नहीं की या कोई इंतजार नहीं किया, तो फौरन छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अनाउंस हो गया। हमारे यहाँ पे ये होता है
कि हम उसको कोई भी चीज है ना उसके बारे में कोई हदीस हमारे सामने आए तो हम गुंजाइशें तलाश करते हैं, मुख्तलिफ फिका की तरफ जाते हैं, कोई कोई ये मसले की ये स्कूल ऑफ थॉट को गुंजाइश निकाल दे, वो कर दे, ये कर दे। अल्लाह के नबी सल्लम का फरमान आ जाने के बाद फिर खत्म। ये सहाबा का तर्ज अमल था और ये बहुत खूबसूरत तर्ज अमल था। अच्छा, इसी तरह ये गधा नजस है लेकिन इसके ऊपर सवारी करने की इजाजत शरीयत ने दी है, और इस पर सवारी कर लेना ये तकब्बुर के मनाफी चीजों में से है। एक हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गधे पर सवारी कर लेना ये तकब्बुर के मनाफी है, यानी उस बंदे में तकब्बुर नहीं है। तो आप भी करते थे, आपसे भी साबित है, सहाबाई किराम भी गधे पर सवारी कर लेते थे, तो सवारी कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा ये किसी बर्तन में मुंह मार जाए, इस तरह की चीजें हों तो फिर वो वही अहकाम होंगे, माए कलील यानी थोड़े पानी में अगर ऐसा करते हैं तो फिर उसको गिराना होगा। इसके बाद अगली हदीस है हमारे पास अमर बिन खारिजा रजी अल्लाह ताला अन्हों से। वो कहते हैं कि खाता बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिनन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मीना में खुतबा दिया, खाता बना खुतबा दिया। ये खुतबा एक टर्म है शरीयत की, अहकाम शरिया के याद दिलाने को कहा जाता है, और इसमें बाज़ औक़ात बहुत पुरजोश खुतबा भी होता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बाज़ औक़ात नॉर्मल गुफ्तगू भी होती थी। तो मीना के मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया, वहु आला राहिलती ही, इस हाल में कि आप अपनी सवारी पर थे, और ये सवारी ऊंटनी थी। वलुआबुहा यसीलु अला कातिफई, वलुआबुहा, और उस ऊंटनी का जो लुआब था यानी उसके मुंह के अंदर से जो थूक वगैरह निकल रही थी, यसीलु वो बह रही थी अला कातिफई, कातिफैया मेरे कंधे पर, मेरे दोनों कंधों पर, ठीक है, यानी ये जमा है कातिफई मेरे दोनों कंधों पर। अब यहाँ पे आप ये देखें कि अल्लाह के नबी सल्लम खुतबा दे रहे थे, सवारी के ऊपर खुतबा दे रहे थे, और सवारी का जो थूक निकल रहा था वो सहाबी कह रहे हैं मेरे कंधे कंधों के ऊपर गिर रहा था। अखरजहु अहमद व तिरमिजी व सहाहु। अब यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली हैं। एक बात तो ये कि मीना में भी खुतबा अहकाम शरिया सिखा समझाने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि आप ने हजरत वदा के मौके पर अरफा में भी खुतबा दिया और मीना में भी दिया, तो अरफा का तो खुतबा ये अलग से है, और मीना के अंदर फिर अगर जरूरत हो और समझाना मकसूद हो या कुछ हज के मनासिक बताना मकसूद हो तो फिर ये खुतबा भी दिया जा सकता है। तो खैर, एक बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि सवारी के ऊपर सवार होकर खुतबा दिया जा सकता है, सवारी के ऊपर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया। तीसरी बात यह है कि ऊंटनी जो है उसका लोआब यानी उसका जो मुंह से निकलने वाली रुतूबत है वो नापाक नहीं है, वो नजस नहीं है, ये बात यहाँ पे समझ आती है, और उसका जूठा भी पाक है, ठीक है, यानी हलाल जानवर जो है उसका पसीना, उसका लोआब वगैरह, उसका जूठा लेफ्ट ओवर, ये सब पाक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे इस हदीस में ये बात भी समझ आती है। इसके बाद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, कालत कहती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यغسل المنية ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यغسل المنية, मनी को धो लेते सीमन, ثم يخرج الى الصلاة, फिर आप नमाज की तरफ निकलते, फी ज़ालिक सौब उसी कपड़े में, वा अना अनजुरु इला असरिल गसली फी, वा अना अनजुरु इस हाल में कि मैं देख रही होती, इला असरिल गसली धोने के निशान को, फी ही उसमें, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी को धोया करते थे, फिर उसी कपड़े को पहनकर उसमें नमाज पढ़ते थे,
और मैं धोने के निशान को अपनी आंखों से देख रही होती थी। यहाँ पे एक तो बात यह है कि हक बात से अल्लाह ताला शर्माता नहीं है, यानी वो बातें जो इंसान की जिंदगी से मुताल्लिक हैं और रोजमर्रा के मामलात हैं, और इसी तरह से उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि वो मसला पूछना या उसको बयान करना। और फिर यहाँ पे आप देख लें, हदीस की बुक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी ये तफसीलात मौजूद है। ये एक बात समझ लें कि ये हया के मनाफी नहीं है, इसलिए इस पर खुल के बात होनी चाहिए। हाँ, हया के का पहलू मद्दे नजर रखना चाहिए। खुल के का मतलब ये नहीं है कि अब जो हदीस में मुराद है, बयान है, उससे भी बहुत आगे अपनी अजीब फकाहत झाड़ना शुरू कर दो। नहीं, लिमिट्स में रहें, लेकिन अब लिमिट्स में रहने का मतलब ये भी नहीं है कि अब जो चीजें शरीयत ने बयान की हैं वो समझा जाए कि ये हया के मुनाफी हो गई, ऐसी बात भी नहीं। तो शरीयत जिन चीजों को बयान करती है वो ऐन हया होता है। दूसरी बात, यहाँ पे ये पहला लफ्ज है अलमनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इसका इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अल्लाह फरमाते हैं कि फलियंजुर इंसान मिम्मा खुलिक, बस इंसान को चाहिए कि वो देखे किस चीज से पैदा किया गया है। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, वो एक ऐसे पानी से पैदा किया गया है जो उछल के निकलता है। तो अब ये डिफाइन कर दिया कुरान की आयत ने कि सीमन से मुराद वो पानी है जो उछल के निकलता है। अब जो उछल के नहीं निकलता वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, वो उसको इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम, वो मजी है, वदी है, मुख्तलिफ टर्म्स हैं फुकाहा ने बयान की है, हदीस में भी मौजूद है कि जो उसके जी बगैर पानी निकलता है या फिर कोई बीमारी की वजह से होता है, जिस तरह आगे अभी हैज और इस्तेहाजा का खून है वो भी आगे आएगी हदीस। हाँ तो यहाँ पे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का ये बयान करना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको धोते और फिर उसी नमाज में उसी कपड़े में नमाज की तरफ निकल जाते और धोने का निशान उसमें वाजे रहता। इसके बाद ये तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है और मुस्लिम में ये लफ्ज है, लकद कुंत अफरुकुहु मिन सौबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरकन। अलबत्ता यकीनन मैं उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से खुरच देती थी, खुरचना। फयुसल्ली फीही, बस आप उसमें नमाज पढ़ते। वो फी लफ्ज लहू, और इसी में एक बाज़ अल्फाज में है, लकद कुंत अहुक्कुहु याबिसन बिजुफरी मिन सौबी, लकद कुंत अहुक्कुहु, अलबत्ता जरूर मैं उसको खुरच दिया करती थी। ये अफरुकुहु अहुक्कुहु का माना होता है खुरचना। याबिसन खुश्क हालत में, बिजुफरी अपने नाखून के साथ, मिन सौबी आपके कपड़े से। यानी मुस्लिम की एक रिवायत में इस तरह के अल्फाज हैं कि जब वो मनी खुश्क हो जाती तो मैं अपने नाखून से उसे खुरच कर कपड़े से उतार देती। ये आयशा रजी अल्लाह तआला ने जो तफसीलात बयान की वो हमारे सामने। अब इन अहादीस को हम जब पेश नजर रखते हैं, यानी जब इनको हम देखते हैं गहराई के साथ, तो तीन बातें यहाँ पे बयान होती हैं। एक तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको धो देते फिर नमाज के लिए जाते और धोने का निशान कपड़े में लगा होता। दूसरा यह है कि आयशा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती हैं कि मैं रगड़ कर खुरच देती और बाद में कपड़ा धोए बगैर नमाज को आप चले जाते। और तीसरी बात यह है कि अगर खुश्क होने पर उसमें कोई चीज रह जाती, यानी पहले आपने धोया और फिर कोई चीज निशान वगैरह उसमें बाकी रह गए और खुश्क होने पर वो नजर आई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से वो उसे खुरच के खत्म कर देती। तो इन तीनों बातों से ये बात निकलती है कि ये पाक है, वरना बाहर सूरत उसको शदीद अंदाज में धोया जाता, किसी और चीज का भी, साबुन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता, सिर्फ खुरच देना काफी ना होता, यानी खुश्क हालत में उसको खुरच देना काफी ना होता। तो बहरहाल यानी अगर तो किसी की तबीयत ये समझती है या उसकी तबीयत ये कहती है कि इसको प्रॉपर धोना चाहिए तो वो धो ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का मामला इख्तियार करना कि उसको सिर्फ जायल कर दिया जाए किसी तरह से खुश्क अंदाज में या खुर्च के, जैसे आयशा रजी अल्लाह तआला ना करती थी, तो कोई हर्ज नहीं। अब इस पे दोबारा से थोड़ा खुलासतन हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हया वाली बातों को जिक्र करना जायज है, जैसे आयशा रजी अल्लाह तआला ने तफसीलन यहाँ पे किया। दूसरी बात यह है कि
ये सीमन ये पाक है, यानी अगर जिस्म पर या कपड़े पर किसी जगह पर ये लगा हो और जितनी कोशिश करके उसको जायल कर दिया जाए तो उसमें फिर ये नजस नहीं है। इसमें इसी तरह थूक और बलगम वगैरह का हुक्म भी है। हाँ, निशान जायल कर देना चाहिए ताकि लोगों को कराहत ना हो, खुद इंसान सेटिस्फाई नहीं होता। इसी तरह आप ये देखें कि औरत अपने शौहर की खिदमत कर सकती है। तो हम इस हदीस पर बात कर रहे थे, हदीस मुबारका से जो चीज़ें साबित हुई उनमें एक बात ये भी थी कि बीवी खावन की खिदमत कर सकती है। यानी हमारे यहाँ जो तासुर दिया जाता है आजकल, इसके वाइस वर्सा भी है, यानी शौहर भी अपनी बीवी को पानी पिला सकता है, उसके भी काम कर सकता है। यह हदीस इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप आगे जाके, तो यहाँ पे बहरहाल इस हदीस में कपड़े धोने के हवाले से अगर देखा जाए या कोई निशान जायल करने के हवाले से, तो बहरहाल सदीक़ा कायनात ने ये किया। और इसी तरह इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर जोहद इख्तियार करते थे, यानी उन्हीं कपड़ों पर आपने इक्तफा किया। ये जो लाइफस्टाइल है, अल्लाह ताला ही हमें मुआफ़ कर दे, जो हम रात के कपड़े अलग से रखते हैं, दिन के कपड़े अलग से रखते हैं, एक दिन में कई कई मुख्तलिफ अंदाज से कपड़े बदलते हैं, और फिर एक तायुश वाला अंदाज है। हाँ, अगर इंसान को जरूरत है किसी वजह से तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से साथ इस्तगफार करते रहना चाहिए हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जो लाइफस्टाइल था या आपकी जो सादा जिंदगी थी, उसमें बहरहाल अक्स यही है कि आपने बहुत थोड़े कपड़ों पर गुजारा किया। जिस तरह आपके घर नहायत सादा थे, और आपका गद्दा बिस्तर इस तरह की चीजों के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है कि हमारा अंदाज क्या है और रसूलुल्लाह का अंदाज क्या है, और हम दावा मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा जोहद, जोहद का मतलब होता है दुनिया से बेरगबती, दुनिया का हरीस ना होना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि तुम दुनिया से बेरगबत हो जाओ, युहिब्बुक अल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो नेमतों का असर नजर आना चाहिए, जो अल्लाह ने दिया है वो उसका इस्तेमाल अच्छे अंदाज में करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज बहुत सादा था। इसके बाद अगली हदीस अबू समह रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युगसालु मिन बौलिल जारियती व युरशु मिन बौलिल गुलाम। युगसालु, धोया जाएगा, मिन बौलिल जारियती, जारिया लड़की को कहते हैं, बच्ची, बच्ची के बौल यानी उसके पेशाब से धोया जाएगा। व युरशु मिन बौलिल गुलाम, और लड़का, अल गुलाम जो है ये लड़के के माना में आता है, यानी मेल बेबी। वह युरशु, और पानी के छींटे मारे जाएंगे, मिन बौलिल गुलामी, लड़के के पेशाब पर। अखराजहु अबू दाऊद व नसाई व सहहहु अल हाकिम। अबू दाऊद और नसाई ने इसको बयान किया है और इमाम हाकिम ने सही कहा है। अब यहाँ पे एक लफ्ज है बौल, ठीक है, तो बौलो बुराज, ये उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो बौल अरबी जुबान का लफ्ज है पेशाब, तो खुल के बोलने में कोई हर्ज नहीं है। इसको आपने यहाँ पे फसराहत के साथ ही बात इरशाद फरमाई, समझाते हुए, तालीम देते हुए। युगसालु का मतलब है कि जहां पे किसी लड़की ने पेशाब किया हो, वो कपड़ा हो या वो जगह हो, तो उसको फिर धोया जाएगा पानी के साथ। और युरशु का मतलब है कि छींटे मार दिए जाएंगे, मिन बौलिल गुलाम, लड़के के पेशाब से। अब यहाँ पे बहुत सी बातें हैं जो समझने के लायक हैं। एक बात तो ये है कि ये जो बच्ची या बच्चा है उनके लिए ये जो हुक्म है ये तब तक है जब वो दूध पीते हो, शीर खार हो, यानी दूध पीने पीने की उम्र तक। जब दूध पीने के बाद बड़ी उम्र को पहुंच जाए और कोई उनकी गजा में सॉलिड चीजें ऐड कर दी जाए तो फिर ये हुक्म नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो फर्क किया गया है लड़की और लड़के के पेशाब में, कि एक लड़की के लिए धोना है और लड़के के लिए छींटे ही काफी है,
अब जाहिर तौर पर यहाँ पे हमें यूं लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्यों है, तो हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, नबी के रसूल होने पे राजी हैं और इस्लाम के दीन होने पे राजी हैं, तो हमारे जहन में ये शकों को शुबहात आने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये हम ये समझें कि हमारे रब ने ये तकसीम की है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये तकसीम कर रहे हैं तो अल्लाह की इजाजत से कर रहे हैं ना, तो हमारे खालिक ने, हमारे मालिक ने, रब ताला ने ये तकसीम की है। इसमें बीसियों हिकमतें पोशीदा हैं, मुझे कोई हिकमत समझ आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी मेरा ईमान है। तो एक बात तो ये है, कतन इंसान को ये जहन में ख्याल नहीं लाना चाहिए कि ये तकसीम क्यों की, जब ये तकसीम करने वाला खालिक हो, जब ये तकसीम करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हो, तो एक बात तो ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि चूंकि इंसान का नफ्स इत्मीनान चाहता है और चीजों को देखना चाहता है, तो जदीद दौर में ये कोई मुश्किल नहीं है समझना, चूंकि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर काबिलियत रखी है, एबिलिटी रखी है औलाद को पैदा करने की, और रहम में मादर मादर होता है, शिक में मादर में ये जगह होती है, तो फिर आगे तो वहां पे अल्लाह ताला ने एक पूरा निजाम रखा है माहवारी का और ये इन चीजों का। तो यानी अगर हम पेशाब की कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो उसमें फिर जो फीमेल बेबी है यानी लड़की, तो चूंकि उसके अंदर ये अल्लाह ताला ने इजाफी चीजें रखी हुई हैं, तो फिर उसके अंदर थोड़ी वो ज्यादा होती है तगलीज, तगलीज कह लें, इन उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए उसको धोना पड़ता है फिर। लेकिन लड़के के पेशाब में चूंकि इस तरह की चीजें नहीं होती, और ये दोनों शीर खा रहे हैं यानी दूध पीते बच्चे हैं, दूध पीने के बाद तो बच्ची के शुरू दिन से ही चूंकि अंदर सिस्टम्स ज्यादा रखे हुए हैं अल्लाह ताला ने, तो इसलिए फिर पेशाब को धोने की जरूरत पड़ती है। तो बहरहाल पहली बात, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तकसीम कर दी है तो हमें इस तकसीम पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए आगे बातें हैं, चूंकि इंसान की फितरत होती है ना कि वो इस तरह की चीजें समझना चाहता है। तो बहरहाल ये हदीस है हमारे पास, इसका जो सबब है इस आपके इरशाद का वो ये है कि अबू समहा, ये जो इस हदीस के रावी हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, और हसन या हुसैन में से किसी एक को आपके पास लाया गया तो आप ने उनको उठा लिया, तो आपके सीने मुबारक पे उसने पेशाब कर दिया। सुभान अल्लाह, आप जरा ये देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कितना तामुल करते थे और उनके साथ किस कदर लगाव था आपको। बाज लोग होते हैं वो उन उन वो अपना एक उन्होंने बनाया होता है स्टाइल कि नहीं, बच्चों को मुझसे दूर रखो, और वो अपने बेटा या बेटी और इनसे भी नफरत करते हैं, और नफरत से मुराद ये है कि वो साथ नहीं लगने देते, तो ये आजिज़ी इनके सारी के खिलाफ है। बच्चे जो हैं उनको उठाना, आप देखें अल्लाह के रसूल सजदे में होते और हसनैन करीमैन में से बाज आपके ऊपर होते और आप उनकी वजह से सजदा लंबा कर देते, इसी तरह बाज बच्चियों को उठा के नमाज पढ़ना और नमाज के दौरान या मस्जिद में ले आना, ये भी साबित है। तो यहाँ पे जब वो उसने पेशाब कर दिया तो अबू समहा चूंकि आपके खादिम थे, उन्होंने धोना चाहा तो आपने फरमाया कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ छींटे काफी हैं, तो फिर आपने यहाँ ये हदीस इरशाद फरमाई, युगसलु मिन बौलिल जारियती व युरशु मिन बौलिल गुलाम, कि लड़की के पेशाब से धोया जाएगा कपड़े को और लड़के के पेशाब से छींटे मार देना काफी है।